इसलिए जब तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग दोनों एक ही बात कहेगा, तब तुम जो कहोगी मैं खुशी खुशी करूंगा। रेहान जी, वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? दरअसल आपको कुछ बताना था, ऑफिस में रेजिग्नेशन दे दिया है। रेजिग्नेशन? दरअसल सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। और खुशखबरी ये है कि मुझे एडवोकेट आलम शाह के यहाँ पोजीशन ऑफर हुई है। जिन्हें आप गुरु मानते हैं, वही ना? पर वो तो मुंबई से प्रैक्टिस करते हैं। मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा। बच्चे और क्रंपी? उन तीनों को भी साथ जाना ही पड़ेगा। और फिर आप भी तो कभी ना कभी मुंबई अले, आई थिंक जैन एक और चांस डिजर्व करता है। एक काम कर देंगी मैडम, ये एनवेलप है, रहमान चाचा को देना। जी। जाने से पहले आपसे मिलके जाऊंगा। खुदा खुदा। रहमान हसन कुरैशी के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने पर अदालत उसे बेगुनाह मानकर सारे इल्जामों से बाइज़त बरी करती है। चाचू, कोर्ट ने आपको चिटफंड केस से बाइज़त बरी कर दिया है। क्या बात है चाचू, आप खुश नहीं है? बेटा तू अंदाजा नहीं लगा सकती है कि तेरा ये चाचू किस दौर से गुजरा। मेरी अपनी बीवी, मेरे सगे बेटे ने जो मेरे साथ फरेब किया, इस तरह मुझे धोखा दिया, खुदा की कसम सारी इंसानियत पर से यकीन उठ गया था मेरा। तो भला हो तेरा कि तू मेरी जिंदगी में आई, तूने मेरा इतना ख्याल रखा। सिर्फ तेरे कहने पर रेहान ने मेरा केस लड़ा और आज मुझे बेगुनाह साबित कर दिया, सिर्फ तेरे कहने पर। बेटे, तेरे मेहरबानियों के बदले मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। चाचू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? लेकिन बच्ची, तेरे इस गरीब चाचू के पास दुआएं हैं तेरे लिए। आपकी दुआएं मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। उस रेहान के भी बहुत एहसान है मुझ पे, मैं उसका शुक्रिया अदा करके आता हूँ। चाचू, रेहान अपने फैमिली के साथ वापस मुंबई जा रहे हैं। मुंबई? और तू? तू कब जाएगी मुंबई? नहीं, मुझे मुंबई नहीं जाना। तो कमबख्त जैन बोलेगा तब भी। हमारा रिश्ता टूट चुका है चाचू, बिखर चुका है। दोबारा हमारा मिलना नामुमकिन है। मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन ये जिंदगी है ना, ये खुद ब खुद रिश्तों पर एतबार करने के रास्ते दिखाई देती है। मुझे भी उसने दिखा दिया रास्ता तुमसे मिलवाकर, वरना जो मेरी बीवी और मेरे बेटे ने मेरे साथ किया उसके बाद तो। आपको गुस्सा नहीं आता उन पर? आता है बेटे, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कमबख्त याद भी बहुत आती है। क्या करें, इंसान है ना हम लोग। डालिया बेटे, कल मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे सामने थी। कौन? मेरी बीवी। वही थी या कोई और थी कह नहीं सकता, क्योंकि नकाब पहना हुआ था। हो सकता है मेरी आंखें धोखा खा गई, लेकिन जो भी थी बेटे, उसको देख के मैं हैरान रह गया था। कब वक्त कहेंगे? ये देखो, देखो इस कमबख्त को।
मैं तुम्हारी एक सास की छोटी बहन जरीना। कितनी मासूम शक्ल है इसकी। ये कह सकता है कि ऐसी औरत ऐसे कारनामे करेगी, चिट फंड का घोटाला करके अपने शौहर को ही फंसा देगी। बहुत बेइज्जत किया इसने मुझे। वालेकुम अस्सलाम। तू यहाँ भी आ गई? सब कुछ तो छीन लिया तूने मेरी बाजी का, अब क्या खरीदने आई है? मैं कुछ खरीदने नहीं, कुछ लौटाने आई। पगली, तेरे पास है ही क्या जो तू हमें लौटाएगी? भी घर में टाइम खराब करने आ गई। मटन नया बिजनेस खोला है, मदद चाहिए? शायद अपने कार्ड ठीक से पढ़ा नहीं। गौर से देखिए खाला, रहमान हसन कुरेश, आप जानती हैं ना इन्हें? तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बकवास। अरे भाई कुछ खाने को भी ले आओ जल्दी। इतने अच्छे इंसान को आप पहचान नहीं पाए, धोखा दिया आपने उन्हें। ए भाई किया क्या है मैंने? चिटफंड का गफला, चिटफंड का गफला। सुबह सुबह कुछ गलत खा लिया था क्या? क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? न जाने और कितने घोटाले किए हैं आपने। चल निकल यहाँ से। अपनी शादी तो बचा नहीं पाई, मुझे नसीहत देने आ गई। कम से कम अपने शौहर को धोखा तो नहीं दिया ना? मुंह बंद कर अपना, वरना यही निकाल के तोड़ के फेंक दूंगी। चाचा ने आपको पुलिस के हवाले करने की धमकी दी तो आपने क्या किया? उल्टा उन्हें उस केस में फंसाकर आप बिलाल के साथ भाग गए। क्यों बोर कर रही है? कोई सबूत है तुम्हारे पास तो आगे बात करो, वरना निकलो यहाँ से। रहमान चाचा अब उस केस से बरी हो चुके हैं। सबूत तो बहुत से हैं हमारे पास, लेकिन अब रहमान चाचा आप पर कोई केस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो मिस करते हैं बिलाल को, आपको। प्यार करते हैं वो आप दोनों से, क्योंकि आप दोनों ही उनके परिवार हैं। आपको जाकर उनसे मिलना चाहिए। मुझे उस मनोज आदमी की शक्ल तक नहीं देखनी, पर एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो, दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। निकल अब यहाँ से।